डॉक्टर जी, किस प्रकार के तबियत समस्याओं से सेक्स में असफल अधिक होते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम्स, तबियत बिगड़ जाने से सेक्स भी बिगड़ जाएगी। कैसे, किस प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं? अधिक तौर पर डायबिटीज, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग से डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से लिंग खड़ा नहीं होता, स्ट्रांग नहीं बनता। ये तो बहुत कॉमन साधारणतः डायबिटीज की वजह से पहले सेक्सुअल फेल्यूर होता है। इसलिए जिस किसी को डायबिटीज को पहचानते हैं उसे पहले से ही उसके प्रति श्रद्धा दिखाना है। डायबिटीज को नेग्लेक्ट करने से सेक्स में डाउन हो जाएंगे, इसलिए मधुमेह रोग को जरूर ठीक रखना है, नहीं तो उसके बाद कुछ सालों के बाद वो तो सेक्स में फेल्यूर हो जाते हैं। वो एक है। और एक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को बहुत आसान से देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी दी खून का जो सरप्रेश होता है वह तो उसमें तो हिंड्रेंस, वह तो नहीं ठीक रहेगा, तब से उससे भी वह लिंग खड़ा नहीं होगा। इसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा हाइपरटेंशन, बीपी, बीपी को जैसे भी सेक्स फिर कॉमन डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद क्या होता है? हाइपरटेंशन। उसके बाद क्या होता है? हार्ट की बीमारी, हार्ट डिसीज की वजह से, उसकी वजह से भी सेक्स में फेल्यूर होता है। इससे इसके अलावा आलखाल की न्यूरोपैथी, कुछ पुरुष आलखाल अधिक लेते हैं। आलखाल की वजह से शराब पीने की वजह से न्यूराइटिस, न्यूरोपैथी, आलखाल न्यूरोपैथी डेवलप होता है, उससे भी सेक्स में फेल्यूर होते हैं। इसके अलावा ये मॉडर्न जीवन में, आधुनिक जीवन में स्ट्रेस के वजह से भी सेक्स में फेल्यूर होता है, वो तो साइकोलॉजिकल। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन सभी शारीरिक रोग होते हैं। स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन, ये साइकेट्रिक डिप्रेशन भी साइकेट्रिक कारण बहुत बीमारी है, उसको भी उसकी वजह से भी सेक्स में फेल्यूर होते हैं। इसलिए जो कोई भी इनको पहचानते हैं जरूर उसके चिकित्सा कराना, वो सभी सेक्स में अधिक अच्छा रहते हैं, नहीं तो सेक्स में कई समस्याओं को फेस करना होता है। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। Available on Google Play Store and subscribe to the channels. और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।